अगर आप फीमेल हो और आपकी एज 25 से 35 के बीच में है और आपको पूरे दिन भर थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है या आपके इरेगुलर हार्ट बीट्स है, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो इस वीडियो में जानते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर हीमोग्लोबिन नेचुरली। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स बाय स्वाति। आई एम स्वाति, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कम डायटिशियन, डायबिटीज एजुकेटर एंड सर्टिफाइड योगा कोच। आई हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब जब आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं तब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नाउ हीमोग्लोबिन वो तीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से बनता है, आयरन, फोलेट एंड प्रोटीन, एंड यस करेक्ट लाइफस्टाइल आल्सो। हमें ये गलत फहमी रहती है कि रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आयरन होता है, मगर नहीं, आयरन सबसे ज़्यादा तिल, बाजरा, पुदीना, काली किशमिश एंड हलीम में पाया जाता है। सो तिल को रोस्ट करके सब्जी में डालें। वीक में 3 से 4 बार बाजरे की रोटी लें, मगर ध्यान रहे कम घी लगाकर। रोज़ पुदीने की चटनी खाने के साथ लें एंड हर दिन 3 से 4 काली किशमिश को नींबू पानी में डालकर लें। ये करने से आयरन लेवल्स बढ़ेगा। सेकेंड न्यूट्रिएंट इज फोलेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBC प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज आयरन लेवल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, एवोकाडो, पीनट्स में फोलेट होता है, मगर यहाँ सीक्रेट ये है कि विटामिन सी रिच फूड्स को साथ में लें, जिससे आयरन एंड फोलेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। थर्ड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन कंपाउंड है वो प्रोटीन से बनता है, तो खाने में दाल, पल्सेस, स्प्राउट्स एंड नट्स को इंक्लूड करें। नाउ ये तो हो गई खाने की बातें, मगर कुछ लाइफस्टाइल जो हम गलत करते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ता है, या कहे कि हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सो द फर्स्ट रॉन्ग लाइफस्टाइल इज इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी पोस्ट मील्स। जब हम चाय और कॉफ़ी को खाने के इमिडिएटली बाद लेते हैं तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। सो ऑलवेज अवॉइड टी एंड कॉफ़ी पोस्ट मील्स। सेकेंड लाइफस्टाइल इज लेस वाटर इनटेक। जब हम पानी का इनटेक कम लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। सो ऑलवेज एंश्योर यू ड्रिंक एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। थर्ड लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, क्योंकि एक्सरसाइज से रेड ब्लड सेल्स स्टिम्युलेट होते हैं एंड वो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। सो एंश्योर आप 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग करें एवरी डे। दिस विल इम्प्रूव योर हीमोग्लोबिन लेवल्स। सो अगर आपको नेचुरली हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, सो यू नीड टू डेफिनेटली वर्क ऑन योर फूड इनटेक एंड एज वेल एज ऑन योर लाइफस्टाइल। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। Do drop a comment for your views. Don't forget to subscribe Health Secrets by Swati for more such nutrition science based videos. Till my next video, stay healthy and stay happy.